रीवा में बिरसा मुंडा विचार मंच ने 11 दिवसीय गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा को जनपद पंचायत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट की फिल्म का विमोचन भी किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर बिरसा मुंडा विचार मंच रीवा ने त्योथर तहसील में भगवान बिरसा मुंडा 11 दिवसीय गौरव यात्रा निकाली, जिसे जनपद पंचायत अध्यक्ष मीनू सिंह आदिवासी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर बिरसा मुंडा की जीवनी पर बनी 28 मिनट की फिल्म का विमोचन भी किया गया। यात्रा के चलते कार्यकर्ताओं और जनजाति समाज में काफी उत्साह देखने को मिला। यह यात्रा पंचायतों से होती हुई 114 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करने के बाद 29 तारीख को समाप्त होगी। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। पिछले साल मैं बिरसा मुंडा जी के उलिहाती गांव जाके एक छोटी सी लघु फिल्म का निर्माण किया था कि उनके जीवन के बारे में त्योंथर क्षेत्र की जनता को उनकी जानकारी दी जाए। तो गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य यही था कि इनके जीवनी पर एक यात्रा निकाली जाए, गौरव यात्रा, जो त्योंथर तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में जाके आदिवासी भाइयों के बीच निर्धन आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा कैसे भगवान बिरसा मुंडा बन गए, तो उसके बारे में उनकी कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी संघर्ष क्षमता और उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी दी जाए कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर दिया जो लोग वर्षों सैकड़ों वर्ष जी के नहीं कर पाते हैं। तो बिरसा मुंडा ने अपने समाज हिंदू धर्म के लिए, आदिवासियों के गौरव के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और वह कुर्बानी उन्हें भगवान के रूप में अपने समाज में स्थापित कर दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।